Hello everyone, today we are going to see one more topic from hydraulics that is fundamental of fluid flows unit number 4 as per SBT syllabus Bihar. So, what all our topics we are going to cover under, under this topic is that types of fluid flows, water streamline, path line, straight lines, and we will also see what is flow net in that we will see what is flow line, equipotential line, and their uses and the applications.

लेट्स मूव इन टू द स्लाइड नंबर वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो नो कितने प्रकार का फ्लो होते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो कितने प्रकार का होता है वी आव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस एंड द क्लासेस ऑल्सो बट मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए जो भी डाउट है क्लियर हो जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो कितने प्रकार का फ्लो होते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टैबलर कॉलर में देखिए पहला है स्टीडी एन एस एंड स्टीडी फ्लो दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन नौ, यूनिफॉर्म फ्लो तीसरा है लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो वन टू एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो ठीक है तो ये सब बेसिकली जो टाइप्स ऑफ फ्लो है हम इसको एक एक करके देखेंगे और एक एक कर कोई डेफिनेशन को, को आप भी याद कर लीजिएगा समझ लीजिएगा तो आपको आसानी होगी एग्जाम में लिखने के लिए ठीक है तो बेसिकली हम इसमें टॉपिक जितना सिक्स दिया हुआ है तो इसमें अराउंड ट्वेल्व डेफिनेशन है बारह डेफिनेशन को देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है तो सबसे पहला है स्टीडी एंड अनस्टडी फ्लो तो स्टडी फ्लो क्या होता है अनस्टडी फ्लो क्या होता है तो सिंपल इज दैट आई रीड फॉर यू द फ्लो इन विच फ्लूड कैरेक्टर क्या फ्लूड का जो कैरेक्टर होता है जैसे कि वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी एट ए पॉइंट डस्ट नॉट चेंज विद द टाइम ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टडी फ्लो बोलते हैं अगर एक पाइप है अगर उससे पानी का बहाव हो रहा है उसका वेलासिटी प्रेशर uh, uh, और डेंसिटी एट ए पॉइंट डस्ट नाट चेंज विद द टाइम वो टाइम से चेंज नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टडी फ्लो बोलते हैं एग्जाम्पल मान लीजिए कि फ्लो ऑफ वाटर विथ ए कॉन्सटेंट डिस्चार्ज थ्रू है पाइपलाइन इस स्टडी फ्लो जैसे कि अगर समझ लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी का एक पाइप है ठीक है और वहाँ से हम डिस्चार्ज दे रहे हैं इनलेट से हम दे रहे हैं आ, फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड से, से डिस्चार्ज दे रहे हैं ठीक है तो हमारा बी में इनलेट में फाइव मीटर क्यूब पर इ... पर सेकेंड से ही डिस्चार्ज निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीडी फ्लो बोलते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा विद द टाइम दस नॉट चेंज विद टाइम उसका वेलोसिटी सेम रहेगा प्रेशर सेम रहेगा डेंसिटी सेम रहेगा और फ्लो कंटिन्यूसली होते रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टडी फ्लो बोलते हैं तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं डी वी वाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो उसमें ज़ीरो कैसे होता है वेलोसिटी चेंज नहीं होता है आ, और डिपेंड ऑन टाइम ऑल्सो तो उसको हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं इवन प्रेशर को भी ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं इवन डेंसिटी को भी हम लोग रो करली रो अपन करली टी इज इक्वल टू जीरो तो ये तीनों टर्म को हम लोग ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टडी फ्लोन में विदाउट चेंज इन टाइम हमारा फ्लो है जो कंटिन्यूस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टडी फ्लो पढ़ेंगे देख सकते हैं डी वी वाई डी टी टू ज़ीरो इसका मतलब है कि जो हमारा वेलोसिटी है जो टाइम से टाइम टाइम uh, के अनुसार चेंजेस नहीं हो रहा है इसलिए हम इसको डी वी वाई डी टी सिमिलरली हमने करली ली पी अपॉन करली टी आपका क्या होगा प्रेशर अपऑन uh, टाइम uh, ये भी चेंज नहीं हो रहा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टडी फ्लो बोलेंगे पॉइंट नंबर टू है द फ्लो इन विच फ्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी एक्स्ट्रा एट ए पॉइंट चेंजेस विद टाइम इस कॉल अनस्टडी फ्लो लेकिन कई बार क्या होता है कि वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी चेंज होता है बाय द टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनस्टडी फ्लो बोलते हैं एग्जाम्पल फ्लो ऑफ वाटर विथ वेरिंग डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप इज अनस्टडी फ्लो कई बार क्या होता है अब देखे होंगे कि पानी रुक रुक के आता है कई बार स्पीड में आ जाएगा पानी कई बार धीरे से पानी आएगा और ये मोस्टली फॉर एग्जांपल हमारा वाटर लेवल नीचे रहता है और मोस्ट मोटर चलते रहता है ठीक है और मोटर जब चलते रहता है तो पानी का पानी का बहाव है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ऐसे होते रहता है ठीक है तो उसमें क्या होता है उसको हम लोग क्या है? बोलते हैं अन फ्लो बोलते हैं इसमें सब क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी चेंजेस विद द टाइम और स्टडी फ्लो में ड नॉट चेंजेस विद द टाइम तो ये बेसिक डेफिनीशन था आपको याद रखना है क्या क्या स्टडी फ्लो में कहता है कैरेक्टरस्टिक्स लाइक वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी नॉट चेंजेस विद द टाइम इज नोन एज स्टडी फ्लो एंड चेंजेस विद द टाइम इज नोन एस अनस्टडी फ्लो तो एक डायग्राम से हम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा आ, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं आ, कि क्या हो रहा है कि स्टडी फ्लो अनस्टडी फ्लो एक दूसरे से यूनिफॉर्म फ्लो में भी लिंक करता है जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारा पानी का बहाव रेगुलर है ठीक है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो ठीक है एक यूनिफॉर्म फ्लो अनस्टडी फ्लो में आ रहा है तो क्या हो रहा है इसमें चेंजेस आ रहा है ये कंटिन्यूस है तो आप क्या देख सकते हैं सिंपल से तीन चीज़ों को याद रखना है वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी चेंजेस विथ टाइम मतलब किसको क्या बोलते हैं अनस्टडी फ्लो बोलते हैं डस नॉट चेंजेस विथ टाइम क्या बोलते हैं स्टडी फ्लो बोलते हैं तो ये दो बेसिक तो हमको याद रखेगा तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो यू ऑल नो वेरी वेल कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है द फ्लो इन विच वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम डस नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस दट इज लेंथ ऑफ डिशन ऑफ फ्लो इज कॉल यूनिफॉर्म फ्लो ठीक है अगर हमारा फ्लो थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट पाइप ऑफ़ यूनिफॉर्म डायमीटर इज कंसिडर एस यूनिफॉर्म फ्लो अगर इसका मतलब क्या होता है कि बिना विद आउट इरेगुलारिटी वो कंटिन्यूस फ्लो रहता है और विद वे, वेलोसिटी और गिवन स्पेस में वो चेंज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं इस डायग्राम से देखिएगा यहाँ से इनलेट में भी इतना पानी है आउटलेट में भी हमारा पानी उतना ही जाएगा इसका डेफिनेशन बेसिकली दिया हुआ द फ्लो इन विच ज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस कितना भी इस पर लेकिन उसका वेलासिटी चेंज नहीं होगा उतना कंटिन्यूअस डिस्चार्ज देते रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं एक एग्जाम्पल उसके लिए हमने कंसिडर किया है पढ़ा भी है फ्लो थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट पाइप क्या होता है लॉन्ग स्ट्रेट पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर इज कंसिडर एस यूनिफॉर्म फ्लो उसमें कर ली भी अपन कर ली एस इज इक्वल टू जीरो मीन्स की वेलासिटी एट गिवन टाइम डस नॉट चेंज विद Uh, 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 एस आपका क्या है स्पेस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे नेक्स्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो नॉन यूनिफॉर्म में बस उसका उल्टा हो जाता है मीन्स की द फ्लो इन विच वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम चेंजेस विथ रेस्पेक्टिव स्पेस लेंथ ऑफ डायरेक्शन फ्लो इसका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सिंपल सी बात है फ्लो थ्रू लॉन्ग पाइप विद विंग क्रॉस सेक्शन इज कंसिडर नॉन यूनिफॉर्म सड ये मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहाँ हो सकता है इट कैन बी इन सडन इलाजन सडन कॉन्ट्रक्शन वाला पाइप में हो जाता है जो हमारा कंपाउंड पाइप्स होता है तो उसमें हमारा क्या होता है कंपाउंड पैर क्या होता है, है? सीरीज ऑफ पाइप रहता है या जो पाइप रहता है कंपाउंड में डिफरेंट डायमीटर का पाइप लगा रहता है तो उसमें क्या होगा तीनों चीज़ वैरी करेगा प्रेशर भी वेरी करेगा वेलोसिटी भी वैरी करेगा डिस्चार्ज भी वैरी करेगा अगर अलग अलग पाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो ये बहुत बेसिक टर्म है लैमिनार क्या होता है जो रेगुलर फ्लो होता है दे पढ़ता हूँ मैं आपके लिए द फ्लो इन विच आर लेयर डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर एंड मूव अलॉन्ग द वेल डिफाइंड पाथ इज नोन एज ए लेमिनार फ्लो ठीक है फ्लो ऑफ ब्लड इन स्मॉल वेन्स जैसे हमारा खून एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं वो अपना वेन से बह के जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैमिनार फ्लो बोलते हैं जैसे कि आप इस डाइग्राम में देख सकते हो लैमिनार फ्लो को एक दूसरे को कवर नहीं करता है ये अपना फ्लो बहते ही जाता है ठीक है आ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैमिनार फ्लो द फ्लो इन विच द एजस्टन लेयर क्रॉस ईच अदर एंड डू नॉट मूव अलॉन्ग वेल इन डिफाइंड पाथ इज नोन एज अ टर्बुलेंट फ्लो द सिंपल सी बात है एग्जाम्पल क्या होगा फ्लो थ्रू ए रिवर और ए कैनल स्मोक फ्रॉम ए चिमनी तो क्या होता है आप इसमें मिल के जाता है एक दूसरे को ओवरलैप करके जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे तो दोनों का एग्जाम्पल आप, आपको क्लियर है कि मीन्स एक वो फ्लो ऑफ ब्लड इन स्मॉल वेन क्या होगा वो हमारा लैमिनर फ्लो होगा और अगर जो नदी से जो पानी जो बहता है ठीक है एक दूसरे तो मिलकर जो बहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है द फ्लो इन विच डेंसिटी डस नॉट रिमाइन कॉन्सेंट ऑफ फॉर ए फ्लूड फ्लो कॉल्ड कंप्रेसिबल इसमें क्या होता है जो हमारा डेंसिटी है डस नॉट रिमाइंड कॉन्स्टेंट वो चेंज होते रहता है लाइक like, एग्जाम्पल है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फ्लाइट ऑफ रॉकेट तो उसमें क्या होता है हमारा डेंसिटी वैरी करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो बोलते हैं नेक्स्ट आर द फ्लो इन विच डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट फॉर अ फ्लुड फ्लो इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लो जैसे कि उसका जो डेंसिटी जो भी टर्म हम जो भी मटेरियल जो भी हम मटेरियल यूज इस्तेमाल किए हैं उसका जो डेंसिटी सेम रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे उसका एग्जाम्पल है प्रॉब्लम इन्वॉल्व लिक्विड हाइड्रोलिक्स प्रॉब्लम पर यह डिपेंड करता है कि उसका डेंसिटी चेंज अगर डेंसिटी चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो अगर डेंसिटी चेंज नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे तो ये आपका था बेसिक डेफिशन नेक्स्ट है रोटेशनल फ्लो रोटेशनल फ्लो क्या होता है तीन डायरेक्शन में आप जानते हो एक वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन द फ्लो इन विच फ्लूड पार्टिकल वाइल फ्लोइंग अलोंग ए स्ट्रीम लाइन ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल फ्लो पूरा क्या होता है अपना रोटेशनल एक्सिस में पूरा राउंड मारता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रोटेशनल फ्लो होता है कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ ए सिलेंडर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस सम लिक्विड इज प्रेजेंट इनसाइड अगर एक सिलेंडर को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग तो इसका तीन डायरेक्शन दिया है जेड एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ये तीनों डायरेक्शन में क्या होगा हमारा देखिएगा आई ड्रॉप ड्रॉ फॉर यू जानते हैं आप क्या होता है एक्स एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस हो जाता है ये जेड एक्सिस होता है अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक सिलेंडर को ठीक है तो जो हमारा रोटेशन है क्या होगा तीनों डायरेक्शन होगा व्हेन वी रोटेट द सिलेंडर देर इज पॉसिबिलिटी द एलिमेंट ऑफ फ्लूड आल्सो स्टार्ट रोटेटिंग वॉट इज ओन एक्सिस जब सिलेंडर को हम पलटेंगे घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा उसमें अंदर जो फ्लूड होगा तो वो रोटेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं रोटेशनल फ्लो बोलते हैं तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट है इर रोटेशनल फ्लो तो इर रोटेशनल फ्लो क्या होता है द फ्लो इन विच फ्लूड पार्टिकल वाइल्ड फ्लोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन डू नॉट रोटेट इसमें एक होता है वो पहला रोटेशनल फ्लो होता है इट रोटेट्स अपॉन हिस एक्सिस ठीक है यहाँ रोटेट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इर रोटेशनल फ्लो बोलते हैं कंसिडरिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल सम्लुड एलिमेंट बी रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस इज स्ट्रीम तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो होते हैं नो no रियल फ्लो इज इटेशनल कोई भी रियल फ्लो होता है वो इरोटेशनल नहीं होता है ठीक है उसको हम लोग क्या है? बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो बोलते हैं नेक्स्ट है वन टू और थ्री डायमेंशनल फ्लो ठीक है तो एक दो तीन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है द फ्लो इन विच वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स इज कंसीडर इज कॉल्ड वन डायमेंशनल फ्लो अगर जैसे कि हमने पढ़ा था अभी डायग्राम में एक्स वाई जेड ठीक है तो ये हमारा पहला क्या हो द फ्लो इन विच वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम वन स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इज कॉल्ड वन अगर इस फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो हमारा क्या होगा वन डायमेंशन फ्लो होगा एग्जाम्पल ले लीजिए फ्लो थ्रू ए पाइप कंसिडर है वन डायमेंशनल फ्लो क्योंकि हमारा एक ही इनलेट होता है एक ही आउट आउटलेट होता है हमारा पानी इधर से बहता है इधर के निकलता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वन डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे नेक्स्ट है द फ्लो इन विच वेलोसिटी इज़ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टू स्पेस कॉर्डिनेट एक्स एंड वाई वो दोनों कॉर्डिनेट में बहता है ठीक है एक्स में भी बताया वाई में भी बताया तो उसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल फ्लो एग्जाम्पल यू इज़ द फंक्शन फंक्शन वन इज़ एक्स एंड वाई ठीक है वी भी है एफ uh, टू का एक्स एंड वाई और डब्ल्यू हमारा जीरो फॉर एग्जाम्पल फ्लो इन प्लेन्स जो हमारा प्लेन्स है दोनों एरिया में बताया एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं टू डायमेंशनल फ्लो ठीक है नेक्स्ट आपका थ्री डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं आ, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो थ्रू एन ओपन चैनल वो कहता है द फ्लो इन ओपन चैनल और ए रिवर आर कंसिडर एज थ्री डायमेंशनल फ्लो वो तीनों डायरेक्शन में बहता है ठीक है तो उसका हम लोग इसको कहते हैं तो हम लोग वन वन डायमेंशनल टू डायमेंशन थ्री डायमेंशनल पढ़ा तो वन डायमेंशनल क्या हो जाएगा उसका एग्जाम्पल ले लीजिए फ्लो थ्रू पाइप कि ए, एक इनलेट रहता है एक आउटलेट रहता है प्लेन टू टू डायमेंशनल क्या होता है कि एक्स एक्सिस में बहता है वाई एक्सिस में बहता है फ्लो uh, इसका एग्जाम्पल लीजिएगा फ्लो थ्रू प्लेन्स एंड थ्री डायमेंशनल क्या होता है फ्लो थ्रू एन ओपन चैनल रिवर उसको हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशनल फ्लो ठीक है तो ये था आपका बेसिक डेफिनेशन नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन क्या होता है और उसके बारे में हम देखेंगे इट डिफाइंस एज एन इमेजिनरी फैमिली ऑफ लाइंस इन द फ्लूड डोमेन दैट इज़ एवरी वन टेंजेंशियल टू द लोकल वेलोसिटी फैक्टर आप देख सकते हैं डायग्राम में ये डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारा एक्स कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट जेड कॉर्डिनेट है वो क्या है हमारा जो इस कर्व से हम पता कर सकते हैं क्या हुआ था इट डिफाइंस एन इमेजनरी है क्या है इमेजनरी लाइन है और क्या होता है हमारा जो फ्लूड फ्लो होता है टेंजेंशियल रहता है देख सकते हैं यह कर्व से हमारा टेंजेंशियल है ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्स बोलते हैं अब एक डाइग्राम में इस डाइग्राम में अस्यूम करते हैं अस्यूम ए फ्लूड फ्लोइंग इन थ्री डी स्पेस थ्री डी स्पेस क्यों एक्स कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट में फ्लो हो रहा है एट इंस्टेंट टाइम लेट अस रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ फ्लूड आर्टिकल बाय वेलोसिटी वेक्टर नाउ कनेक्ट ऑल द डोमेन पॉइंट्स विद ए कंटिन्यूस लाइन विद ए टेंजेंशियल टू ऑल दिस वेलोसिटी फैक्टर ठीक है स्ट्रीम लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूड एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्ट्रीम लाइन क्या होता है फ्लो का डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में वो बह रहा है ठीक है इसको इमेजिनरी लाइन मानते हैं और सब फ्लू डोमेन से दैट एवरी वो क्या होता है टेंजेंशियल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बोलते हैं नेक्स्ट आपका पाथ लाइन तो पाथ लाइन क्या होता है कि पाथ और ट्रेजेक्ट्री ट्रेस आउट बाय आइडेंटिकल फ्लू पार्टिकल उसको हम लोग क्या बोलते हैं पाथ लाइन बोलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिएगा कंसिडर ए प्ले पार्टिकल ए क्या करते हैं पार्टिकल ए को कंसिडर करते हैं विच इज़ सोन बाई पोजिशन वेक्टर आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम डी टी इट इज मूव टू अ न्यू पोजिशन ठीक है द लाइन विच इज़ ज्वाइनिंग दिस टू अदर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ए इज नोन नोने ए पाथ लाइन तो सिमिलरली आज आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा एक एक ट्रेजेक्ट्री से हमारा ये हमारा पॉइंट है ठीक है ये हमारा कर्व है यहाँ से मूव हो रहा है फिर आफ्टर सम टाइम ऑफ डी टी टाइम क्या होता है अटैच हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पाथ लाइन नेक्स्ट हमारा स्ट्रीक लाइन स्ट्रीक लाइन क्या होता है ए लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल विच अर्लियर हैज़ पास थ्रू द फिक्स और कॉमन पॉइंट क्या होता है स्ट्रीक लाइन क्या होता है कि लाइन जो एक कोई भी एक पार्टिकल को जॉइन करता है जो ऑलरेडी है पास करता है डोमेन लाइन से पॉइंट ऑफ फ्लू डोमेन इस कॉल स्ट्रीक लाइन जैसे कि हमारा जो बेंड पाइप है आप देख सकते हैं हमारा इसी थ्रू से हमारा बहता है इस डायग्राम से आप देख सकते हैं तो आप समझ समझ सकते हैं कि हमारा जो इनलेट इधर से है आउटलेट इधर से है ठीक है तो जो हमारा पॉइंट सी बी ए ये हमारा फ्लो हो क्या रहा है एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो क्या रहा है तो फ्लू डोमेन उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रीक लाइन बोलते हैं इसको एग्जाम्पल से समझेंगे इन फिगर वी कैन सी द पॉइंट ए बी सी डी है पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट ओ ठीक है वो एक कॉमन पॉइंट से वो कहता है लाइन जॉइनिंग सच पॉइंट इस नॉने ए स्ट्रीक लाइन जो सिंपल सी बात है फ्लूड जो बह रहा है जैसे ए ए हो गया ए ए बी सी डी ठीक है और एक कॉमन पॉइंट से जॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रीक लाइन बोलेंगे तो हमको ध्यान में देखना है और इसमें देखिएगा as वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑफ फ्लू फ्लो द एग्जाम्पल विच इज एक्सप्लेड योर अबाउट द बेड पाई वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट ऑल द लाइन्स वे आर सेम एंड वे आर सोन कॉमन ट्रेजेक्ट्रीज द रीजन बिहाइंड इज दैट इन ए स्टीडी फ्लो ऑल द लाइन्स स्ट्रीम स्ट्रीक आर सेम तो हमारा क्या होता है स्टी फ्लो में क्या होता है हमारा जो स्ट्रीम होता है पाथ होता है स्ट्रीक लाइन होता है सेम होता है सिमिलरली अनस्टडी फ्लो में क्या होता है कि अनस्टडी फ्लो दैट विल बी डिफरेंट एंड विल बी सोइंग डिफरेंट ट्राइजेक्ट्रीज तो सिमिलरली ये भी डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फ्लो पे कि हमारा जो स्ट्रीक लाइन पाथ लाइन और uh, जो स्ट्रीम लाइन होता है स्टी फ्लो के लिए सेम होता है अनस्टडी फ्लो के लिए चेंजेस हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा वेरिएशन आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो नेट तो सिंपल सी बात है फ्लो नेट क्या होता है इसे ए कॉम्पोजिशन ऑफ दो ग्रुप का कर्व होता है एक फ्लो लाइंस होता है एक पोटेंशल लाइन होता है तो उसी के बारे में हम लोग बेसिकली देखेंगे ये टॉपिक को आप ऑलरेडी सॉयल uh, मैकेनिक्स और uh, जियो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके होंगे ठीक है तो जस्ट टू मेक यू मेमोराइज और आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है फ्लो नेट ये कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ कर्व ये यहाँ क्या होता है दो ग्रुप का कर्व को करता है एक होता है आपका फ्लो लाइन्स एक होता है इक्व पोटेंशियल लाइन तो फ्लो लाइन क्या होता है वो होता है स्ट्रीम लाइन तो स्ट्रीम लाइन क्या होता है रिप्रेजेंट तो करता है पाथ दैट पार्टिकल ऑफ वाटर टेक्स ई टू ट्रैवल थ्रू ए सॉइल मास एक सोइल मास से वो बह के निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बोलते हैं जैसे कि इस डाइग्राम में देख सकते हैं हमारा जो बहाव है ऐसे से उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्लो लाइन्स एस यू कैन सी इसको हम लोग क्या बोलेंगे Um, sorry um. इसको हम क्या बोलेंगे फ्लो लाइन्स इक्वे पोटेंशियल लाइन क्या इक्वे पोटेंशियल लाइन दैट पासिस टू द पॉइंट ऑफ इक्वल हेड्स जैसे कि ये जो हमारा लाइन जो क्रॉस कर रहा है फ्लो uh, लाइन्स को उसको हम क्या बोलते हैं इक्वे पोटेंशियल लाइन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टोटल हेड दिया हुआ है और हमारा हेड लॉस भी दिया हुआ है तो हमारा वाटर फ्लो होता है तो एक दूसरे का क्रॉस करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो नेट बोलते हैं तो फ्लो नेट कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्स क्या क्या होता है फ्लो लाइन्स और हमारा इक्वे पोटेंशियल लाइन तो फ्लो लाइन्स क्या होता है रिप्रेजेंट द पाथ दैट अ पार्टिकल ऑफ वाटर टेक्स टू ट्रैवल थ्रू द सॉइल मास वो पाथ को डिफाइन करता है स्ट्रीम लाइन को डिफाइन करता है कि वो कैसे बह के निकल रहा है और उसको जो क्रॉस करता है वर्टिकली ठीक है नाइन्टी डिग्री पे कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वे पोटेंशियल लाइन बोलते हैं और बेटर वे में समझने के लिए मैं फ्लो लाइन्स को एक्सप्लेन करता हूँ फ्लो लाइन्स अगर स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट द पाथ दैट ए पार्टिकल ऑफ वाटर टेक्स टू ट्रैवल थ्रू ए सॉइल मास अगर सॉइल मास से जो ट्रैवल करता है द स्पेस बिटवीन टू एडजन फ्लो लाइन्स इस नॉन ऐस ए फ्लो पार सिंपल सी बात है आप देख सकते हैं जो हमारा सॉरी आप देख मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ठीक है आप देख सकते हैं जो हमारा फ्लो लाइंस बना हुआ है ठीक है तो इसमें हमारा जो एक दूसरे के साथ स्पेस है ये स्पेस है जो हमारा जो स्पेस का डिफरेंस है एक लाइन से दूसरे लाइन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लो पार्थ डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो इज इक्वल तो आप देख सकते हैं द स्पेस बिटवीन टू अर्ड जैसन फ्लो लाइन इज कॉल्ड एस ए फ्लो पाथ डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो पाथ इज इक्वल आप देख सकते हैं जो हमारा फ्लो लाइन यहाँ पे एक दो तीन दिया हुआ है तीनों से डिस्चार्ज सेम होगा और तीनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग तीनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लो पार्ट डिस्चार्ज बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा इक्वे पोटेंशियल लाइन तो इक्वे पोटेंशियल लाइन के पढ़ने के लिए सिंपल सी बात है इक्वे पोटेंशियल लाइन आर लाइन दैट पासज थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वल हेड्स इक्वल हेड से हमारा पास करता है ठीक है द स्पेस बिटवीन टू अरजेशन इक्वे पोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट ड्रॉप इन हेड ठीक है जैसे कि हमारा जो ये दोनों हमारा uh, जो स्पेस है ये एक लाइन है दो लाइन इस दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं ड्रॉप इन हेड बोलते हैं द स्पेस बिटवीन टू अरजेशन इक्वे पोटेंशियल लाइन इज नॉट एन एस है इक्वे पोटेंशियल स्पेस ठीक है ये हमारे दोनों स्पेस में हम क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल स्पेस बोलेंगे नेक्स्ट है हमारा फ्लोनेट्स इक्व पोटेंशियल लाइन एस ऑल वी नो दैट अन इक्वे पोटेंशियल लाइन मीन्स पोटेंशियल हेड एट ऑल पॉइंट्स आर इक्वल जो हमारा पोटेंशियल हेड रहेगा वो क्या रहेगा इक्वल रहेगा तो टोटल हेड क्या रहेगा हमारा कॉन्सेंट तो टोटल हेड हमारा कैसे निकलता है सिंपल से बर्नॉलिस का हम यहाँ पे याद रखेंगे तो उसमें हमारा टोटल हेड कैसे निकलेगा सम ऑफ प्रेशर हेड डेटम हेड और कैनेटिक हेड को हम लोग रखेंगे तो उससे हमारा क्या रहेगा टोटल हेड कौन सा रहेगा वाटर इन ए पाइजोमीटर प्लेस इन डिफरेंट पॉइंट अलॉन्ग इंगल विल राइज टू द सेम एलिवेशन आप एक्सपेरिमेंट नंबर वन याद कीजिए ठीक है उसमें हमने बर्नॉलिस का किया था और जैसे हमारा फ्लो पा फ्लो होके जा रहा था उसमें हमारा पाइजोमीटर एच था हमने प्रेशर निकाला था तो क्योंकि हमारा सेप जो हमारा जो पाइजोमीटर जिसमें अटैच था वो क्या था पाइप का सेप थोड़ा टेपर था तो हमारा क्या होता था कि जो प्रेशर था सातों पाइजोमीटर के अलग अलग निकला था लेकिन अगर सेम साइज़ का रहेगा तो हमारा प्रेशर भी सारा पाइजोमीटर में सेम रहेगा तो किसके वजह से होता है इक्वल पोटेंशियल लाइन्स की वजह से होता है तो आप शायद यहाँ समझ सकते हो ठीक है तो फ्लो नेट में देखिएगा एक फ्लो नेट यहाँ बना हुआ है तो फ्लो नेट इसमें क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फ्लो लाइंस एंड इको पोटेंशियल लाइन और दो, दोनों के एक दूसरे के साथ कवर करता है द ग्रीन लाइन सोज द फ्लो लाइंस एंड द रेड लाइन सोज द इक्व पोटेंशियल लाइन ठीक है तो ये एक दूसरे के साथ ए स्क्वायर ब्लॉक्स बनाता है तो ठीक है तो इसको हम लोग एक दूसरे को किस डिग्री पे कनेक्ट करता है नाइन्टी डिग्री पे कनेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है कुछ उसका डायग्राम है फ्लो नेट का देखिएगा वाटर इन एंड वाटर यहाँ से इनलेट होता है यहाँ से पास होता है तो इस सबको हम लोग जो ग्रीन लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो लाइंस और जो हमारा रेड लाइन है उसको बोलेंगे इक्वे पोटेंशियल लाइन तो पॉइंट नंबर वन है फ्लो लाइंस एंड इक्वे पोटेंशियल लाइन आर एट राइट एंगल टू वन अनदर आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ राइट right एंगल में काट रहा है ठीक है तो इसको हम लोग कितना बोला नाइन्टी डिग्री से होगा फ्लो लाइंस आर पैरल टू नंबर ऑफ द फ्लो बाउंड्री से क्या होता है पैरल टू द बाउंड्री इक्वे पोटेंशियल आर पैरल टू परमेबल बाउंड्री से क्या होता है परमेबल बाउंड्री से होता है डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो पाथ इज इक्वल फ्लो पाथ किसको बोलते हैं हमारा सिंपल सी बात है जो हमारा ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है जैसे देखेंगे ये जैसे हमारा इक्वे पोटेंशियल लाइन हो गया फ्लो लाइंस हो गया ठीक है वो हमारा दोनों में डिस्चार्ज क्या होगा इक्वल होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो पाथ जैसे कि हमारे यहाँ से बह के निकल रहा है हेड लॉस थ्रू इच इक्वे पोटेंशियल स्पेस इज इक्वल हमारा जो हेड लॉस होगा वो हमारा हर एक पाइप के लिए पाइजोमीटर के लिए सेम रहेगा ठीक है आप एक एसमेट्रिकल फ्लो का डायग्राम देख लीजिए फ्लो लाइन्स एंड एक पोटेंशियल राइन आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आप जैसे देखें इतना डायग्राम में वो हो क्या होता है एक दूसरे के साथ राइट right एंगल में होता है जैसे कि आप इसको कंसिडर कर लीजिए तो ये क्या है राइट एंगल टू ईच अदर फ्लो लाइन्स आर पैरल टू नंबर ऑफ़ फ्लो बाउंड्रीज से यह क्या होता है पैरल होता है नंबर ऑफ फ्लो बाउंड्रीज है पोटेंशियल लाइन और सिमिलरली पैरल टू द परमेबल बाउंड्रीज है डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो पाथ इज इक्वल जो हमारा हमारा जो ये हमारा फ्लो लाइन है उसको जो फ्लो पाथ रहेगा इसमें तो क्या रहेगा हर बॉक्स के लिए सेम रहेगा ठीक है हेड लॉस क्या होगा इक्वोटेंशियल ऑल्सो क्या रहेगा इक्वल रहता है ठीक है नेक्स्ट है आपका ड्राइंग ऑफ फ्लो नेट्स तो सिंपल सी बात है एक बेसिक हमारा यहाँ डायग्राम दिया हुआ है फ्लो नेट का तो आप देखिएगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा क्या है कि लाइन ए बी अगर कंसिडर कीजिएगा यहाँ पे लाइन्स दिया हुआ है कौन कौन लाइन ए बी एन सी ई एफ डी आर द बाउंड्रीज ऑफ द फ्लो चैनल दैट इज फ्लो लाइन आप देख सकते हैं ए बी लाइन एक है हमारा A, line, ए बी लाइन ये फिर है हमारा एक और लाइन है यहाँ पे तीनों जो ग्रीन लाइन है हमको उसको क्या बोलते हैं फ्लो लाइन बोलते हैं और जो रेड लाइन बोलते हैं वो हमारा क्या है इक्वे पोटेंशियल लाइन है वो किस में बहता है हमारा सॉइल मास में ठीक है आप देखिएगा वाटर यहाँ है ठीक है तो इससे हमारा जो देखिएगा यहाँ से जब हमारा पानी इसके थ्रू पास होगा तो इसमें जो डिफरेंस आएगा हाँ उसको हम लोग लॉस लो इन हेड बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है लाइन सी ए इज द अपस्ट्रीम एक्वे पोटेंशियल बाउंड्री तो इससे आपको पता लग जाएगा कि असोमेट्रिकल फ्लो क्या होता है ठीक है नेक्स्ट है ड्राइंग फ्लो नेट सीपेज अराउंड ऑब्स्ट्रक्शन क्या सीपेज uh, भी होता है उसके वजह से सीपेज क्या होता है सिंपल सी बात है जो हमारा पानी पसीजना होता है परकोलेशन होता है और किसी के साथ पास हो जाए परमी मेंबर से तो उसको हम लोग सीपेज बोलते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे अपस्ट्रीम एक पोटेंशियल बाउंड्री लाइन एक हमारा अपस्ट्रीम है एक कोई पोटेंशियल लाइन है और डाउन स्ट्रीम एक पोटेंशियल लाइन है तो हमारा जो क्या होगा जो ग्रीन लाइन क्या है हमारा ये हमारा फ्लो लाइन है और रेड लाइन क्या है एक पोटेंशियल लाइन है तो इससे हमारा क्या होगा जो पानी जो पसीजेगा एक दूसरे के साथ सीपेज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉ सीपेज अराउंड ऑब्स्ट्रैक्शन कोई भी एक यहाँ आप देख सकते हैं हमारा यहाँ ऑब्स्ट्रैक्शन क्या है एक सीट पाइल यहाँ पे हम लगाए हैं और सीट पाइल से हमारा फ्लो लाइन जाकर हो रहा है तो ठीक है एक दूसरे के साथ ये काट रहा है तो कितना है राइट एंगल में भी आप देख सकते हैं ठीक है फॉर uh, एग्जाम्पल ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल में ये राइट एंगल में है ठीक है तो आप ये क्या है सीपेज अराउंड ऑब्स ये हमारा ऑब्सट्रैक्शन डाला हुआ है उसके थ्रू अराउंड भी सीपेज होता है उसी के बारे में बताया हुआ है नेक्स्ट है हमारा आ, सीपेज अराउंड ऑबस्ट्रैक्शन तो सीपेज अराउंड ऑब्सट्रैक्शन है देखिए एक हमारा शीट पाल दिया हुआ है जो सिंपल से ऊपर जो ऑब्स्ट्रैक्शन बताया ये हमारा टोटल हेड है ठीक है और हमारा ये हमारा रेड लाइन क्या दर्शाता है हमारा सॉरी uh, 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 जो हमारा है ब्लू लाइन हमारा दस फ्लो लाइन रेड लाइन हमारा दसाता है एक पोटेंशियल लाइन और एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करता है तो हमारा जो ऑब्स्ट्रैक्शन है ये वाला हमारा ऑब्सट्रैक्शन इसको क्या कर रहा है सीपेज हो रहा है इसके नीचे से ठीक है पसीज रहा पानी तो यहाँ पे तो चें यहाँ पर इसके जो एच जो डिफरेंस होगा वो हमारा बोलेंगे लॉस ऑफ हेड ठीक है तो यह हमारा बेसिक जो टर्म्स था जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ फ्लो ठीक है टाइप्स ऑफ फ्लो में हमने क्या क्या पढ़ा स्टडी फ्लो अन फ्लो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो कंप्रेसिबल एंड अनकम्प्रेसिबल फ्लो रोटेशनल एंड अनरशनल फ्लो और लास्ट में हमने बोला वन टू थ्री डायमेंशनल फ्लो ठीक है इसको हमने बेसिकली देखा कि किसको क्या कहते हैं कैसे हम निकालते हैं उससे हमें पता लग गया नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रीक लाइन स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन वो तीनों के बारे में पढ़ा उसको मैं बेसिक देखा कि स्टडी फ्लो में स्ट्रीक स्ट्रीम और पाथ लाइन सेम रहता बट अनस्टिडी फ्लो में चेंज हो जाता है फिर हमने देखा फ्लो नेट तो फ्लो नेट क्या होता है दो कव को कंसिस्ट करता है दो लाइंस को एक होता है फ्लो लाइन एक होता है इक्वे पोटेंशियल लाइन तो फ्लो लाइन क्या होता है हम लोग ये जो हमारा एक मास सॉइल मास से जो बह के निकलता है और जो इक्वे पोटेंशियल लाइन क्या होता है जो राइट right एंगल उसको काटता है तो उसको दोनों का जो स्पेस रहेगा इक्वल रहता है जो हमारा ऑलरेडी हाँ <अग> जो हम लोग बर्नोलिस तेरह में जो पाइजोमीटर का प्रेसर निकाले थे वो किससे निकाल लेते हैं इक्वे पोटेंशियल लाइन से हमें पता लग जाता है ठीक है तो ये सब हम लोग बेसिक डिफिनेशन देखा और प्लस इसमें हम लोग ये भी देखा कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन दे देते दे हैं तो उसके नीचे जो सीपेज होता है उसको हमने देखा तो बेसिक टर्म्स हमारा है क्या आपका प्रॉपर्टी ऑफ लू फ्लो में ठीक है तो आपको क्या करना है ये सब बेसिक डेफिनेशन को याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली चार मार्क्स में डायरेक्टली डेफिनेशन uh, पूछ सकता है जैसे कि डेफिनेशन पूछता है वो एक्सप्लेन एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म विद द एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम्पल uh, पल के साथ बनाना होगा तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा तो प्लीज़ मेक श्योर की वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आई है समझ में आ रहा है तो लाइक बटन डालें और सब्सक्राइब भी करें ठीक है तो पढ़ते रहिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए और खुश रहिए थैंक यू सो मच